हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे। बस मैं सो के उठी हूँ और रात को भी शांति नहीं है, रात को जगे रहते हैं ना ये लोग, और फिर कुछ ना कुछ चाहिए मंचिंग के लिए, चीज़ें इधर उधर। पहले किचन को समेटते हैं, फिर किचन की शुरुआत करते हैं। और आज साल का आखिरी दिन, तो मैं सोच रही हूँ व्लॉग बना लेते हैं। कोई नहीं, कल से नया साल शुरू हो रहा है अपना। आज ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं बेसन के चीले, जिसके लिए चाहिए मुझे लोट्स ऑफ वेजिटेबल एंड पालक या मेथी। जो भी फ्रिज में मैं चेक करती हूँ कि जो है वो मैं इसमें यूज़ कर लूँगी। वैसे मैंने रात को नूडल्स बनाए थे और वीडियो लेना भूल गई, बट कोई नहीं, वो बहुत अच्छे बने थे और सबको इतने पसंद आए कि एक चम्मच भी नहीं बढ़ रहा कि हाँ कि बच जाए, बहुत बढ़िया बने थे। तो आज परवेश को ऑर्डर है कि कल मुझे फिर से यही चीज़ खानी है, तो आई थिंक मैं शाम को यही बनाने वाली हूँ, क्योंकि उनका अगर पेट नहीं भरा ऐसे लग रहा था। वैसे मैंने दो पैकेट बनाए थे, ऐसे नहीं कि मैंने कम बनाए थे, बट उन दोनों ने बहुत ज़्यादा खाते रहे और दोनों ने बोला कि भाई कल हम यही खाने वाले हैं। तो लेट्स सी अभी, या फिर क्या पता इनका प्लान चेंज हो जाए। अगर जैसा भी होगा, अगर मैं बनाऊंगी तो आज मैं डेफिनेटली वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। वैसे आप लोग इतने डीएम कर रहे हो फॉर वेट लूज, तो आप ये बताइए आपको वीडियोस चाहिए क्या, मतलब मैं वेट लूज वाली वीडियोस बनाऊं क्या। लेकिन अगर मतलब आप पहले आप मुझे कमेंट में बताइए, एटलीस्ट 20 से 40-50 कमेंट तो होने चाहिए कि हाँ आप लोगों को वेट लूज वीडियोस चाहिए। क्योंकि अगर इतनी नहीं होगी तो फिर यू नो अगर आप भाई आपको पता ही होगा कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, फिर उसके बाद अगर व्यूज ना आए तो मेरी भी मेहनत वेस्ट होती है। तो पहले आप लोग 20 से 40 एटलीस्ट कमेंट कीजिए और एटलीस्ट 10,000 व्यू हों उस वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। और पूरा एक महीने का हर दिन मैं अपनी डाइट शेयर करूंगी जिससे वेट कम होगा। तो आप लोग सेम मुझे कॉपी करके अपना वेट कम कर सकते हैं इजीली, और कुछ ज्यादा मैं तामझाम नहीं, नॉर्मल घर की चीजों से ही मैंने अपना वेट कम किया है, जो भी कम किया है। अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, मैं बोल रही हूँ आपको, अभी भी मेरे को लगता है कि 10 किलो कम करने की जरूरत है, और तो वह मैं कर रही हूँ। देखो वेट एक ऐसी चीज है कि धीरे धीरे जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि चुटकियों में जाएगा, तो चुटकियों में ना तो बढ़ाऊ ना वो जाएगा, वो तो आप क्लियर अपने माइंड से निकाल दें कि ये आप एक दिन में या एक महीने में निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम लगेगा, 3-4 महीने तो एटलीस्ट लगेंगे प्रोसेसिंग में। और बीच में ऐसे होता है कि आपकी डाइट आप मिस कर जाते हो या आप मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ऊपर नीचे हो जाता है वेट। कई बार किसको प्रॉब्लम है पीसीओडी हार्मोन्स की, तो भी वेट ऊपर नीचे होता है। जैसे मेरा मतलब हार्मोन्स वाला प्रॉब्लम है, तो कभी कभी हार्मोन्स होते हैं तो मेरा ऐसे ही सडनली वेट बढ़ जाता है, फिर मैं उसको कम करती हूँ। लेकिन मुझे आ गया करना कि हाँ कैसे मुझे अपना वेट मेंटेन रखना है। तो आप कमेंट में बताइएगा अगर वीडियोज चाहिए। आ रहे हैं मुझे कमेंट, बट इतने नहीं आ रहे हैं कि मैं एक महीने पूरा इसी पे डालूं, और अगर एक महीना अच्छा चला तो मैं इसको आगे कंटिन्यू रखूंगी। वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है या आपकी कितनी हेल्प हो रही है किसका। अगर एक दो बंदे का भी वेट कम हुआ तो वो वेट हुआ वीडियोस डालना मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, एटलीस्ट किसी की तो मैं हेल्प कर पाऊंगी। तो यही चीजें हैं, तो आप कमेंट में बताइएगा जरूर इस बारे में। आजकल देखो मैं इसमें से क्या दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर ना मैंने दही जमाई हुई है, क्योंकि ना आजकल ठंड होने लग गई है ना, तो दही जमती नहीं अच्छी सी। तो देखो ये देखो, अभी इसकी कंसिस्टेंसी देखिए आप, कितनी बढ़िया जमी है। इसको मैं जमा के इसके अंदर रख के फिर कबर्ड में रख देती हूँ किसी भी, तो इस तरह की जमती है, खाने में मस्त लगेगी बहुत। का प्लान चेंज हो गया, सब्जियां बहुत कम है क्योंकि मैंने नूडल्स में रात यूज कर ली, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने रात नूडल्स बनाए थे। मैंने फ्रिज चेक किया तो सब्जियां बहुत कम थी, तो अभी मैं बना रही हूँ परवेश की फेवरेट और मेरी फेवरेट काली दाल की खिचड़ी, जिसके लिए चाहिए ये वाली स्प्लिट काली दाल। तो ये देख, अभी मैं दिखाती हूँ आपको मैं कैसे बनाती हूँ। तो गाइस इसको बनाने के लिए चाहिए राइस और दाल, इसको अब सोख करके रख लेंगे और बस और कुछ नहीं करना, हल्का सा हींग का तड़का डालना है, नमक डालना है, पानी डालना है, और बन गई हमारी खिचड़ी। और खा के देखना आप सच में, और फिर कमेंट करके बताना मेरे को क्या बढ़िया बनती है। और आप पूछते हो कि भाई घर साफ, मैं ना उठते ही सारी चीज़ें उनकी जगह पर रख देती हूँ, जैसे मैट वगैरह उठा के, क्योंकि फिर क्लीनिंग होगी ना, फिर मुझे डस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं डस्टिंग ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बेड बना चुकी हूँ,
जो जिस जगह पे चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें सेट कर के मैंने रख दी। फिर क्लीनिंग होने के बाद मैं वापस फ्लोर पे लगा दूंगी। इधर शेको भी सो ही रहा है और मैं ये फ्लावर लेकर आई थी, देखना कितने प्यारे लग रहे हैं। बस थोड़े मच्छर इसमें ज्यादा आते हैं इन दिनों, छोटे वाले नहीं होते जो वो, बट फ्लावर इतने सुंदर है ना कि बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। सो गाइस प्रवेश भी आ चुके हैं, मुझे लगा जिम गए हैं, वैसे जिम का टाइम है इनका बट वो कोई मीटिंग थी तो इन्हें जाना पड़ा सुबह सुबह, मुझे नहीं पता चला भाई मेरी आंख नहीं खुली थी सुबह जल्दी। तो चलते पैरों में रुमाल आ गया। पहले ऐसे करते थे ना, पहले ऐसे करते थे ना, ऐसे ग्रीटिंग कार्ड में। तो गाइस यहाँ अभिषेक भी उठ गया है, वो बना रहा है चाय, और चाय बना रहा है लेकिन अदरक नहीं है, लेकिन अदरक नहीं है, पता नहीं था इसलिए, वरना रात मैंने ऑर्डर किया था तभी कर लेती। अब क्यों तू कसूरी मेथी मत डाल दी हो? अच्छा ठीक है। इधर प्रवेश कर रहे हैं हमने डिनर, डिनर नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट। बढ़िया बनी है, चलो खाओ। सो गाइस ये देखो दही मेरी कितनी बढ़िया जमी है, होममेड। सो गाइस नहाना धोना घर की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, और आज मुझे क्रिसमस ट्री भी डिसमेंटल करके रखना है, सारी चीज़ें पैक वैक करके रख दूंगी। हाँ मैं अब यही कर रही हूँ, चीज़ें पैक करना शुरू करूँगी बॉक्सेस में और फिर रख देंगे इसको उठा के। क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, यहाँ तो एक काम कर रहे हैं, किचन भी कम्प्लीटली क्लीन है, रूम्स भी सब, और यहाँ शेको अपना काम कर रहा है, इधर बेडरूम भी क्लीन है एकदम। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें निकाल दी हैं, अब इन्हें पैक करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और अभी यहाँ पे मैं चीले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो वही मैं ग्राइंड। तो गाइस यहाँ मेरे चिल्ले बनाने मैंने शुरू कर दिए हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं, आप बना के देखिएगा। सिर्फ मूंग दाल भिगो के रखनी है और नमक मिर्च डालना थोड़ा, दैट्स इट।